हे गाइस, सर्दियां बहुत आ चुकी हैं और आप भी मेरी तरह सोच रहे हैं कि मेहंदी लगाई जाए, लेकिन इतनी ठंड है तो मेहंदी कैसे लगाएं। तो चलिए आज मैं मेहंदी लगाने जा रही हूँ। बहुत ज्यादा सर्दी है, लेकिन मेहंदी मैं इस ट्रिक से लगाऊंगी ताकि आप लोगों को जो है सर्दी ना लगे और मेहंदी की जो साइड इफेक्ट है वो बिल्कुल नहीं आए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यू कैन सी मुझे दो इंग्रेडिएंट चाहिए ओनली। मैंने लिए हैं चार लौंग और एक लिया है मैंने ये कॉफी। तो इस कॉफी का जो है थोड़ा सा एक चम्मच जो है मैं गर्म पानी में डालूंगी और इस लौंग को पीस कर जो है मैं मेहंदी के लिए पानी बनाऊंगी। वो आप देख रहे हैं ये चार लौंग है जिसे मैंने इसमें डाल दिया है और इसमें मुझे इसे कूटना है। ये चाय की अदरक वाला है ये, तो कोई बात नहीं, अदरक की गर्मी रहती है। आप देख सकते हैं ये बुरी तरह से कूट चुका है। अब इसको जो है मुझे डालना है मेहंदी के लिए पानी में। चलिए, ये जो है इस पानी में मैंने थोड़ी सी ब्रू कॉफी डाली है, एक चम्मच, क्योंकि कॉफी की तासीर गर्म होती है। और ये आप मेरे हाथ में दे सकते हैं, चार कुटी हुई लौंग है और थोड़ी सी अदरक भी आ गई क्योंकि अदरक था उसमें। इसको हम अच्छे से उबाल लेंगे जब तक कि अरोमा नहीं आ जाती पूरी तरीके से लौंग की, और इसे कूल कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे पूरी तरीके से और फिर हम इसे बनाएंगे मेहंदी। यू कैन सी मैंने वाटर को बिल्कुल कम्प्लीटली कूल कर लिया है। अब आप देख सकते हैं मैंने एक बर्तन लिया है और यहाँ मैंने मेहंदी ली है। मेहंदी जो है मैंने डबल हाथी ली है क्योंकि हमारे राजस्थान में यही सबसे अच्छी मेहंदी मिलती है, तो मैंने इसे ही लिया। वैसे मेहंदी बहुत अच्छी है लेकिन मैं कोई रिव्यू वीडियो नहीं बना रही हूँ, तो मैं इस मेहंदी का रिव्यू नहीं करूँगी। बस मैं जो है ग्रीन मेहंदी 100% प्योर नेचुरल मेहंदी ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि कलर वगैरह लगाने के जो है बहुत ही बुरे साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो वो साइड इफ़ेक्ट जो है अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगी कि कलर करने के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा चलन में हैं। लोग कलर बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन आगे जाकर उनको क्या क्या उसके नुकसान भुगतने पड़ते हैं, तो वो बहुत मतलब ध्यान देने वाली बात है। अवॉइड करें कलर करना, मेहंदी करें। अब आप देख सकते हैं ये जो वाटर मैंने बनाया था, ये लौंग और कॉफ़ी का पानी है क्योंकि कॉफ़ी की तासीर भी गर्म होती है और लौंग की तासीर भी गर्म होती है। तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें, जितनी आपको नीड है आप उतनी मेहंदी मिक्स कर लें अकॉर्डिंग टू योर हेयर। ये आप देख रहे हैं मेहंदी जो है मैंने पूरी तरीके से इसको भिगो लिया है और मिक्स कर लिया है। आपको पतली नहीं करनी क्योंकि सर्दी का टाइम है, तो मेहंदी पतली आप करेंगे तो ये फैलेगी, लेकिन क्योंकि आप देख रहे हैं लम्स हैं बहुत सारे, तो इसको क्या करना है, इसका एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी जो बहुत ही ज़रूरी है आपको जानना। तो इससे क्या होगा, बिल्कुल भी लम्स नहीं होंगे। तो इतना प्रोसेस करने के बाद आपको क्या करना है कि जिस पैकेट में मेहंदी आई थी, ये देखिए ये मेहंदी का पैकेट है, आपको उसको फेंकना नहीं है। इसको दो पीसेस में जैसे भी आपका बर्तन हो उस हिसाब से कट कर लेना है, क्योंकि मेरा बर्तन छोटा है तो मैंने इसके दो टुकड़े कर लिए हैं। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये पॉलिथीन लेनी है कि जिसमें मेहंदी आई थी और इसको इससे कवर कर देना है। ये देखिए मेरा एक एरिया कवर हो गया और ये पूरा इस तरीके से कवर करना है कि इसमें जो है हवा नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल भी एयर नहीं लगनी चाहिए। अब आप जब वन आवर ऐसे छोड़ देना है जब तक ये मेहंदी भीगेगी। लौंग डाला है हमने, कॉफ़ी डाली है तो उसका भी थोड़ा असर इसमें होगा। ये पूरी तरीके से कवर करके इसको 1 आवर के लिए आपको रखना है, उसके बाद जो है इसको अप्लाई करना है अपने हेयर्स पर। तो 1 आवर आफ्टर क्या मैजिक होता है ये मैं आपको दिखाती हूँ 1 आवर लेटर। तो 1 आवर हो चुका है और अब जो है मैं इसको हटाऊंगी। ये देखिए और ये मैंने हटा दिया है। हमारी हिना जो है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, तो आपको मैं दिखाऊंगी कि इसमें देखिए एक भी लम्स नहीं है। मैंने इसको बिल्कुल भी मिलाया नहीं था, उसके बावजूद भी इसमें एक भी लम्स नहीं है और ये एकदम अच्छी कंसिस्टेंसी जो मुझे चाहिए थी, क्योंकि मुझे थोड़ी गाढ़ी चाहिए, विंटर है। तो आपको अगर नीड हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से तैयार है, तो अब मैं इसके बालों पर को अपने बालों पर अप्लाई करने वाली हूँ।
आपको अगर वीडियो चाहिए कि खुद से कैसे अप्लाई करनी है तो आप मेरे चैनल पर सर्च करें हाउ टू अप्लाई इट्सेल्फ हीना, खुद से कैसे मेहंदी अप्लाई करें, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। प्लीज़ से वॉच कीजिएगा और मैं लिंक भी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए मैं इसे लगा लेती हूँ। तो मेहंदी हमारी रेडी हो चुकी है। अब विंटर है तो कैप स्वेटर सब आपने पहना हुआ है, लेकिन हमने हमारी मेहंदी जो है प्रिपेयर कर ली है उसमें लौंग और कॉफ़ी डाल के, ताकि हमारे जो हेयर है, जो हेड है, उसमें ठंड ना लगे। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो आपने जो स्वेटर पहना है उसको आपको पुट ऑफ कर लेना है, क्योंकि मेहंदी गिर सकती है और जो आपका स्वेटर है उस पर मे बी दाग लग सकते हैं, और मेहंदी के दाग जो है छूटते नहीं हैं आसानी से। तो दूसरा सबसे अच्छी जो प्रिपरेशन आपको करनी है कि आपको जो भी आपने सूट पहना है या टी शर्ट पहनी है, जो भी आपने पहना है, उसके अंडर जहां आपको मेहंदी लगानी, तो कोई भी आप वॉर्म टी शर्ट या वॉर्म स्वेटर, इनर, कुछ भी आप ज़रूर पहने ताकि आपको ठंड ना लगे। क्योंकि आप मेहंदी के बाद अगर शॉल वेयर करेंगे तो क्या होगा कि उस पर आ सकता है, लग सकता है, और अगर ऊपर से स्वेटर पहनेंगे तो भी आपको अनकंफर्ट फील होगा, तो ऐसे तो ठंड लग जाएगी। तो सबसे पहले ये चीज़ ज़रूर से फॉलो करें। नेक्स्ट जो है कैप तो हटानी पड़ेगी, क्योंकि कैप नहीं हटाएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है मेहंदी नहीं लगा पाएंगे। तो मेहंदी लगाने के लिए सबसे पहले जो है आपने जो भी बना रखा है उसे आप हटा दें, और आपके बालों में जो है कॉम जरूर से करें, क्योंकि अगर आप कॉम कर लेंगे ना तो क्या होगा कि आपके बाल उलझेंगे नहीं। और थोड़ा सा जो है तेल ज़रूर लगा लें बालों में। ये देखो मैंने थोड़ा सा तेल लगाया है, कोई सा भी तेल जो आप यूज़ करते हैं वो आप लगा लें, ऑयल लगा लें, ऑयलिंग कर लें, इससे मेहंदी का रंग बहुत अच्छा आता है, शाइनी होती है मेहंदी। और अपने बालों पर अच्छे से कॉम कर लें। यू कैन सी आई एम ऑल डन। देखिए मैंने मेहंदी लगा ली है पूरी तरीके से और ये बहुत ही अच्छे से लगी है, और सच बताऊँ तो मुझे ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, राइट, हमारी कॉफ़ी और लौंग। तो जल्दी से आप भी मेहंदी लगाइए, बालों में कलर कीजिए, और सर्दी से बिल्कुल भी मत डरिए। और क्या करना है, बैठ के टीवी देखनी और इंजॉय करना है, कचौरी समोसे ओली बनार, जब तक मेहंदी सूखे।